अब हम करेंगे पेज नंबर 11। और इसमें देखिए ये शिप बनानी है और शिप में बस इसे कंप्लीट करना है इसके ऊपर और कलर आपको करनी है। देखिए अब मैं इसको इस तरह से बता रही हूँ, स्केल को थोड़ा सा आड़ा करके रखना है क्योंकि देखिए ये ऐसी लाइन है। स्केल को आगे बढ़ा दें, ये देखिए इस तरह से शो किया। फिर इसके बाद यहाँ से ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये बनाना है, ये आप अंदाजे से ले लीजिएगा। एक तरफ छोटी लाइन लेनी है और एक तरफ थोड़ी बड़ी लाइन लेनी है इस तरह से, और फिर इसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। स्केल को भी कुछ सीधा रखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइड से कॉर्नर जो है इसको रब करिएगा और इसमें वर्टेक्स को इसको हटा दीजिएगा, यानी गोल कर दीजिएगा यहाँ से। इसी तरह से यहाँ से भी होगा, ये देखिए ये बनाया। अब इसे कॉर्नर रब करें, फिर इसके बाद यहाँ से इसको गोल करें। सही है, ये बना लिया। अब देखिए इसमें जो आपको सर्किल बनाने हैं, ये जो येलो वाले सर्किल हैं, ये दोनों सर्किल जो है मैं ये इसके कैप से बना रही हूँ। ये देखिए ये बनाया थोड़े से कैप से, ये देखिए ये बनाया। अब इसके बाद जब ये बन जाएगा तो ये इसकी जो स्मूक है ये बना दें, इसकी तो कोई भी शेप हो सकती है हाँ, लेकिन सही बनाइएगा। ये देखिए आप इसमें ब्लैक कलर कर दीजिएगा, पिंक है, स्काई ब्लू है, येलो है और इसमें ब्राउन। कलर बहुत साफ सुथरा करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, बाउंड्री ड्रॉ करके और फिर कंप्लीट करना है अपनी बुक पर, और कलर बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए।